नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय भवन में पसमादा मुस्लिम समाज का 8वां अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अवसर पर सिटीजन अमेंडमेंट बिल तथा एनआरसी का मुद्दा छाया रहा। आपको बता दें कि रविंद्रालय भवन लखनऊ में पसमादा मुस्लिम समाज का 8वां अधिवेशन किया गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री यूपी सरकार अनीस मंसूरी ने कहा कि हमारी मांग यह है कि हम दलित मुसलमानों का प्रेसिडेंटल ऑर्डर वापस लाकर बहाल कर दें, ताकि हमारे लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सके। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर विकास रावत की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। हमारा कुरान भी कहता है कि आप जहाँ पर रहिए हुकूल वतनी अपने साथ रखिए। हम लोग वतन परस्त लोग हैं, हम लोग हिंदुस्तान को बनाने में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान को अच्छा बेहतर बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि एनआरसी की नाकामी को छिपाने के लिए सीएबी लाया गया। एनआरसी जो लागू किया उसके तहत जब उनके लोग जब 13,000 हिंदू प्रभावित हुए तो इन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया, तब सीएबी लाने का काम किया और उनको दूसरे दरवाजे से अंदर कर लिया और हम लोगों को बाहर कर दिया। ये नाइंसाफी हिंदुस्तान के अंदर अभी तक किसी ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये प्रधानमंत्री जी जो इस तरह से हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदा के वास्ते ऐसा मत करिए। हम लोग हिंदुस्तानी हैं और सच्चे हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान में ही मरेंगे, यही पैदा हुए यही मरेंगे, इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार न करें। और धारा 347 के में मुझे ये कहना है एक बात और कि जिस तरीके से आपने बाबरी मस्जिद के मसले को कोर्ट के अंदर रोज सुनवाई का सिलसिला रखा, इसी तरीके से हमारा हक भी उसी 1950 में छीना गया था। तो हमारे जो दलित मुसलमानों के रिजर्वेशन पे जो एक डाका डाला गया था तो वो भी मुकदमा कोर्ट में है, माननीय न्यायालय में है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरीके से आपने बाबरी मस्जिद के फैसले को रोजाना सुनवाई करके उस मसले को हल कर दिया, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि माननीय न्यायालय में हमारा भी मुकदमा जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, ताकि हमको न्याय मिल सके और हम लोग भी दलित मुसलमान लोग भी हिंदू दलित के तर्ज पर आरक्षण का लाभ ले सके। नहीं, हमारा देखिए, हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम करते हैं। हम लोग सरकार से अपनी बात करते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं और हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करते जो कि देश के अंदर अमन चैन खराब हो। हम लोग सरकार से मांग करके और हम उम्मीद है कि हम लोग इसी तरह से सरकार पर दबाव बनाएंगे और सरकार हमारे मसले को सुनेगी और मानेगी। हम पसमांदा समाज के लोग, हमारा मुख्य मांग जो है मैंने आपसे बता दिया कि मेरा रिजर्वेशन है आर्टिकल 341 पैरा 3 के तहत हम दलित मुसलमानों का रिजर्वेशन है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार हमारे उस रिजर्वेशन को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वापस ला करके बहाल कर दे, ताकि हमारे लोग आरक्षण लाभ उठा सके।